आजकल ज्यादा लोगों के पास ज्यादातर पैसा आ रहा है लेकिन टाइम नहीं है। उन्हीं लोगों के लिए ना कुछ इस टाइप के व्हीकल बना रही है कुछ कंपनीज, जो कि आपकी कार को ही एक ऑफिस की शक्ल में बदल देंगे या फिर होटल की भी। तो अगर हमें काम करना है या फिर हमें बिल्कुल रिलैक्स्ड होके कहीं भी ट्रैवल करना है, उसके लिए कुछ इस टाइप के व्हीकल आजकल कंपनीज डिजाइन कर रही हैं, काफी लग्जरियस हैं। तो ये बताएंगी सारी सारी डिटेल, कैसे हो आप? हेलो सर, आप कैसे? वेरी गुड वेरी गुड। ये गाड़ी कौन सी है? मर्सिडीज वी क्लास। अभी ये जो गाड़ी है ना, ये प्रोसेस के अंदर है, बनाना तो हम बीच के अंदर उठा के इसको ले आए, लेकिन इसमें मैं दिखा दूं कि इसका जो डिफॉल्ट इंटीरियर है वो कुछ इस टाइप का होता है, ब्लैक एंड बेज से टाइप होता है। बट इसे हम चेंज कर सकते हैं सर, अगर आप चाहते हैं रेयर थीम के साथ इसे मैच करना है तो बिल्कुल मैच कर देंगे। इसमें देख रहे हैं सर, ये पूरा प्राइवेसी पार्टीशन हमने लगाया है, ये साउंड प्रूफ प्राइवेसी पार्टीशन है। इससे क्या होता है कि जो हमारे दोनों कैबिन है ना, वो अलग अलग हो जाते हैं। पहली बात, वो हमारा फ्रंट कैबिन हो गया, ये रियर कैबिन, और साथ में जो रियर कैबिन में बैठ के आप बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। सही बात है, मैं नहीं सुनाना चाहता अपने ड्राइवर को बातचीत, है ना? तो फिर वो आगे नहीं जाएगी। इसको क्या बोलते हैं इन सीट्स को? सर ये जंप सीट्स होती है, पावर्ड जंप सीट्स। ठीक है, टच पैनल में यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग का सिस्टम दिया होता है, बटन प्रेस करते ये सीट्स ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है और क्लोज हो जाती है। अभी क्या होता है सर, इससे स्पेस भी बचा हुआ है, जब आपको जरूरत है इसमें चार लोग बैठना चाहते हैं तो ये दोनों सीटें खोल के चार लोग और बैठ जाएंगे सर। अच्छा, सीट्स इसकी ऑटोमेटिक है? हाँ सर, ऑटोमेटिक पावर रिक्लाइनर सीट्स है। अच्छा, आप देख रहे टच पैनल ये दिया हुआ है, यहाँ से आप इस सीट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। ये बटन किस चीज का है सर? आप अलग अलग है। अच्छा, जिसमें एक आपका है बैकरेस्ट डाउन करने के, अरे वाह, ठीक है ठीक है। और ये अगर मैं इसको करता हूँ तो ये पीछे चला जाता है जी। और अच्छा, सीट भी आगे मिल जा रही है? सर बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। सीट आप बिल्कुल आगे कीजिए और बिल्कुल पीछे रिक्लाइन कर दीजिए। अच्छा, बैकरेस्ट आप बिल्कुल डाउन कर दीजिए। ये चीज खोलने के लिए आप सपोर्ट है सर? ये मैनुअल है या फिर ऑटोमेटिक? नहीं नहीं सर, ऑटोमेटिक है। ये भी ऑटोमेटिक है जी। अच्छा, यहाँ पे लाइट्स के भी कंट्रोल लगे? हाँ, लाइट्स के भी कंट्रोल। अच्छा, ये लाइट यहाँ से ऑन या फिर ऑफ हो सकती है? बिल्कुल। ये जो मेरी साइड वाली जो ब्लू कलर की लाइट देख रहे हैं, एम्बिएंट लाइट, एम्बिएंट लाइट है, ये ऑन या फिर ऑफ हो सकती है यहाँ से? और ये अपने ये हुई ना बात, ये मैं यहाँ भी ऑन कर देती हूँ, डबल लाइट्स हो जाएंगे ये। ओके, अच्छा एक लाइट है, मतलब एक थोड़ी सी डिम लाइट है, लाइट है और एक है शार्प लाइट, शार्प लाइट, और साथ में यहाँ पे स्टार लाइट्स भी है। अच्छा हाँ, स्टार लाइट्स। वैसे तो अभी बहुत दिन हो रहा है, अगर इसको ऑफ किया जाए लाइट को तो यहाँ पे देख पा रहे हैं थोड़ा सा जूम करके, तो स्टार लाइट्स हैं जैसे रोल्स रॉयस वगैरह में होती है। ये आज ये मल्टी कलर होती है, हम कलर चेंज कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है स्टार लाइट्स, हर कोई जो है वो स्टार लाइट लगा, स्टार लाइट लगा रहा है। अब इसको अगर मेरे को पूरा फ्लैट करना है सीट को, तो क्या करूँ उसके लिए? अच्छा, ये सीट आगे लेके आऊँ? हाँ, और फिर आप इसकी बैक पूरी डाउन कर दीजिए, हो रहा है? ओके, थोड़ी पास आके अंदर कैमरा लेके आओ और दिखाओ। वाह, दो दो चीजें एक साथ अगर ऑपरेट की जाए, तीन तीन चीजें एक साथ चल रही है। बिल्कुल सर, अब ये आपकी जो पूरी सीट है ये पूरी बेड में कन्वर्ट हो जाएगी, अब आराम से आप इस पे सो भी सकते हैं। वेरी गुड, मेरे को तो ये लग रहा है जैसे हमें काम करना होता है। हाँ, और इसमें आपको ना हीटिंग एंड मसाजिंग का भी फीचर मिलता है। अच्छा, अगर आप चाहते हो ना इस पोजीशन पे आप आराम से मसाजिंग चाहते हैं, आप रिलैक्स करना चाहते हैं बॉडी को, तो इसमें आपको हीटिंग मसाजिंग एंड कूलिंग का भी फीचर मिलता है। एंटरटेनमेंट के लिए ये तवर टीवी भी लगा रखा है इन्होंने यहाँ पे, है ना? यस सर, इस साउंड प्रूफ प्राइवेसी पार्टीशन में आपको 32 इंच का एंड्रॉइड LED टीवी मिल रहा है। आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी टूर पे जा रहे हैं, देख रहे इसमें सारे सिस्टम अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, स्मार्ट टीवी आ गए ना आजकल, तो आप जैसे लोगों की ना परेशानी कम हो गई। जब वो थे ना टीवी एनालॉग टीवी, जब लगाते थे तो ऊपर एंटीना लगाना पड़ता था उसके, गाड़ी के अंदर पूरा पूरा डिश सिस्टम होता था। फिर यहाँ पे गैजेट्स आ सकते हैं, एंटरटेनमेंट का सामान यहाँ पे भी आ सकता है, या फिर काम से रिलेटेड सामान आ सकता है, फिर कंट्रोल्स आ सकते हैं, आईपैड आ सकते हैं यहाँ पे, जिस भी जैसे भी रिक्वायरमेंट है वो चीज। छोटी स्क्रीन चाहिए या छोटी स्क्रीन लगा देंगे, आईपैड लगाना आईपैड लगा देंगे, बड़ी स्क्रीन चाहिए तो बड़ी स्क्रीन लगेगी, बड़ी स्क्रीन तो सर सामने दे रखी है ना आपको। मान लो मेरे को अगर यहाँ पे अपना एक लैपटॉप फिक्स करना है तो मेरा लैपटॉप भी फिक्स हो जाएगा, वो तो खैर जब कस्टमाइजर से बात करना सब कुछ हो जाएगा। इनफैक्ट थोड़ा सा पास आगे दिखाओ, यहाँ पे एक स्पेस है जहाँ पे वायरलेस चार्जर आपको हुआ है ना, तो यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी लग जाएगा। सबसे अच्छी और फैंसी चीजें मुझे कुछ इस टाइप की लगती हैं ऐसी कार्स के अंदर। फुट टेबल आपको दी हुई है, ये टेबल है,
फुल टेबल, ऊपर से दिखाओ इसको, कुछ भी खाना है, कुछ भी करना है आपको, आप लंच कर रहे हो, आपको बाहर बैठ के नहीं करना। आपने सुना होगा हनी सिंह दिल्ली की सड़कों पर बहुत घूमता रहता है ना अलग अलग सिंगर्स के साथ में, तो वो क्या करते हैं उनके पास भी एक लग्जरी कार है और उनके अंदर भी टेबल ही लगी हुई है, तो वो दिल्ली की सड़कों का खाना खाते हैं और बड़ा मजा आता है कार के अंदर बैठ के, क्योंकि वो वहाँ पे बिजनेस की बात भी कर रहे होते हैं। तो ये सब चीजें जो होती है ना ये बहुत यूजफुल होती है। ये अगर टेबल नहीं हो तो बाई चांस मान लो कि टेबल नहीं है, हमने सब कुछ लगा दिया सारी अच्छी चीजें, मैं क्या कर रख के क्या करूंगा, है ना, कुछ खाना है तो आपको ये रखना पड़ेगा। इनफैक्ट अभी यहाँ पे ऑप्शन दिया आपको, इनफैक्ट कि यहाँ पे अगर मेरे को ड्राइवर से बात करनी है तो मैं चीख के नहीं बोलूंगा, इन्होंने यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है इंटरकॉम, ये इंटरकॉम एक बटन है, इसको जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये इंटरकॉम, यहाँ पे ये माइक है और यहीं पे स्पीकर्स है, है ना। यस सर, आप ऐसे ही लेट के बोलिए आराम से आवाज आएगी। अच्छा, हेलो ड्राइवर, हाय सर। तो खैर हम हेलो हाय तो नहीं कर रहे ड्राइवर से, ड्राइवर को बोलना होगा गाड़ी रोक दो, गाड़ी रोक दो या फिर ड्राइवर थोड़ा स्पीड में चलाओ, मेरी फ्लाइट अब निकल रही है। तो एक बटन दबा के ड्राइवर से बात हो सकती है। यस सर, ये चीज बहुत अच्छी लगी। फिर जी सबसे बढ़िया चीज जो है इसके अंदर मुझे ये भी लगा कि एक चिलर पीछे की तरफ दे रखा है, जो बॉटल्स हैं, वाटर बॉटल हो आपका, कोई ड्रिंक हो, कुछ भी हो, यहाँ पे टेम्परेचर इसमें आपका मेंटेन रहता है। ये 7 लीटर का चिलर आपको इस कंसोल में दिया हुआ है सर, मतलब गर्म पानी नहीं पीना पड़ेगा आपको, ठंडा ही मिलेगा। यस सर, ऐसा सा कुछ है ना, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। साउंड सिस्टम किस कंपनी का और कैसा साउंड सिस्टम है सर? इसमें 2.5 लाख रुपए का तो साउंड सिस्टम लगा रखा है। अच्छा, बहुत हाई क्वालिटी का है। अगर आप जब साउंड सिस्टम चालू करेंगे, गाड़ी बंद करेंगे और स्क्रीन में जो चल रहा होगा आपको लगेगा नहीं, आप बिल्कुल आपको लगेगा नहीं आप गाड़ी में, ऐसा लगेगा आपको थिएटर है। क्या बात है। अच्छा, यहाँ से आगे ये चीज भी दिखा दो, तो ये ना कप होल्डर वगैरह भी बहुत ही अच्छे से पैनल जो डिजाइन किए हुए हैं, ये सारे कस्टमाइज पैनल है, ये पूरा वुडन लैमिनेशन किया हुआ है यार। ये इतनी फिनिशिंग कहाँ से आ रही है आप लोगों के पास, मतलब हर गाड़ी के लिए अलग बना रहे हो पार्ट्स या फिर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि कॉमन है और वो हर एक कार? नहीं नहीं सर, सब गाड़ियों के अलग अलग बने, सारे पैनल्स अलग अलग बने। तो ये हैंडमेड होते हैं या मशीन से बनते हैं? नहीं नहीं सर, ये मशीन से ही बनते हैं, बस शेप दी जाती है इनको हाथों से, फिर मशीनों से सारी डाइया बनाई जाती है। ओके, तो इसके अंदर तो फिर ये एक्सपेंस बढ़ जाता होगा। बिल्कुल सर, अगर कोई न्यू कार है, न्यू टाइप की कोई न्यू कार लॉन्च हुई है, उसके लिए ये मोल्ड बनाना, फिर उसके अंदर ये पार्ट बनाना सर, एक्चुअली हमारे पास ऑटो ट्रेड इंटीरियर सॉल्यूशन कंपनी के पास ऑलरेडी सारी डाइया, सारे मोल्ड बने हुए हैं। इनोवा करानी है आपको, ऐसी हम इनोवा कर देंगे। और इनफैक्ट ये प्लेन का इंटीरियर भी बनाते हैं। बिल्कुल, प्राइवेट प्लेन, चॉपर्स, प्राइवेट जेट्स का भी इंटीरियर हम करते हैं सर। और इसके साथ में आप बोलोगे आपको कार्निवल बनानी है, फॉर्चुनर बनानी है, सेम कॉन्सेप्ट हम आपको इनोवा, कार्निवल, फॉर्चुनर सब में दे देंगे। चलो वो तो ठीक है। ये बताओ, ये ऐसा लग रहा है जैसे ना ये बुलेट प्रूफ ग्लास है, अभी तो है नहीं इसके अंदर। यस सर, ये आपको मिल रहा है पावर कर्टन। पावर कर्टन है, हाँ, इसमें आपको बटन दिए हुए हैं, टच करते ही पावर कर्टन डाउन हो जाएंगे, टच करते ही पावर कर्टन अप हो जाएंगे सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको उंगली भी हिलाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें टच होती है, प्राइवेसी के लिए है सर। थोड़ा ऊपर से दिखाओ, प्राइवेसी तो इन्होंने इतनी ज्यादा दे दी, मान लो अगर सारे कर्टन हमने बंद कर लिए तो ये पूरा एक रूम ही बन गया है, पूरा प्रॉपर रूम है। अगर मैंने सीट भी ऐसे पीछे कर ली, पूरा प्रॉपर रूम है, आराम से बैठ के इसके अंदर हम कोई भी ऐसा डिस्कशन होते हैं ना जो कि कहीं वॉइस लीक नहीं होनी चाहिए हमारी, नीचे से दिखाओ उसको, मीटिंग कर सकते हैं आप। एग्जैक्टली, ऊपर जो उसमें सनरूफ नहीं आता कंपनी से सर, अगर सनरूफ आता है तो हम सनरूफ के साथ में उसको रैप कर देते हैं और स्टार लाइट्स लगा देते हैं। अच्छा। लेकिन कुछ कस्टमर बोलते हैं हम सनरूफ यूज ही नहीं करते, ठीक है, वो कहते हैं तो उसमें हमें लाइटिंग दे दो, तो हम उसको ये अपना मून रूफ बना देते हैं, मून लाइट्स लगा देते हैं। वेरी गुड। अगर जैसे जिसको सनरूफ चाहिए उसके लिए तो फिर सनरूफ ही है। बिल्कुल है, है ना? बिल्कुल है। कार्निवल में ये मिलता है क्योंकि अब जितने भी कार्निवल आ रही है ना उसमें सब में सनरूफ आता है, अब तो बेस मॉडल में भी सनरूफ आ रहा है सर। अच्छा। तो उसमें आपको सनरूफ जो दी थी उसको पूरा रैप कर देते हैं और उसपे स्टार लाइट लगाते हैं सनरूफ पे भी। अगर हमें इतना काम कराना ही है अपनी गाड़ी में तो कौन सा मॉडल लिया जाए किसी भी कार का जिसके अंदर हम इतने पैसे ठोक सके और ऐसा इंटीरियर बन सके? सर बेस मॉडल लीजिए ना, क्योंकि आप टॉप मॉडल लेंगे क्या फायदा, टॉप मॉडल में सब कुछ लगा हुआ आता है, वो हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें स्पेसिफिक इंटीरियर ऐसा चाहिए, बेस मॉडल में ऐसा कुछ होगा नहीं। बिल्कुल सर, बेस मॉडल बेस्ट, उसके अंदर वहाँ से कॉस्टिंग बच जाएगी, यहाँ पे कॉस्टिंग लग जाएगी और बिल्कुल एक वो वाला सीन हो जाएगा कि मजा आ जाएगा ना। यस सर। चलो एक बात मान लो, ये जो मटेरियल यूज करते हो आप लोग, जो इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम यूज करते हो, इसकी लाइफ कितनी होती है? सर ये आराम से अगर आप बिजनेस लॉन्च आप बना रहे हैं 4 to 5 years कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है इसके अंदर। देखो मैं अगर ऐसे करके बैठ जाऊं, ये जो इन्होंने पेंट किया है लेदराइज पेंट है, अभी गाड़ी पे इसमें पैर रखे जाएंगे हटेगा, है ना, तो ये पेंट की लाइफ कितनी होती होगी? सर ये जो पेंट की लाइफ होती है 7 to 8 years, इवन मैं तो कह रही हूँ हमारे 10 ईयर्स तक कहीं नहीं जाना सर ये। अच्छा जी, आप बोर हो जाओगे कलर से, वो पेंट की क्वालिटी वही रहनी है। हम तो चेंज करवा देंगे, इतना ज्यादा पेंट चलेगा।
जो इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग यूज कर रहे हो इन सीट की मोटर्स में, उसका क्या रहता है लाइफ? सर इसमें जितनी भी मोटर्स लगी हैं सारी इम्पोर्टेड मोटर्स होती हैं, ठीक है, और इसकी लाइफ होती है हमारी 5 to 7 years की। अच्छा यस सर। अरे ये छोटी मोटी डिटेल पे भी आप लोग ध्यान रखते होगा, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी लाइट है। हाँ एलईडी लाइट्स दी होगी सर वहाँ पे आपने। तो पूरी कार में ना सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलईडी लाइटिंग दी हुई है। अच्छा। आप देख पाएंगे। और ये जो लेदर है ये भी आप पूरा परफोरेटेड है, और ये प्योर नापा लेदर में ये सीट्स कवर बनते हैं। इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी है, इसका टच भी बहुत अच्छा होता है। और ये जिनको कहते हैं ना मुझे जेन्युइन लेदर ही चाहिए, मुझे कोई और मटेरियल नहीं चाहिए, तो ये वही लेदर हमने इसमें लगाया हुआ है। मान लो हमने ये सारा काम इससे करवा लिया, ठीक है, बहुत सारे पैसे भी दे दिए, अब जो मेरी कार का सामान लगा हुआ था उसका क्या होगा? सर वो आपको वापस दे देंगे हम। वो आप ले सकते हैं, वो हमें वापस मिल जाएगा, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है ना, क्योंकि जब बंदे को इस चीज की आदत पड़ जाती है तो वो स्टॉक चीज के अंदर तो कभी बैठेगा नहीं, है ना। जैसे आप चाहें कि आप पे कोई और कार है, आप बोले मैं मेरा वो वाला इंटीरियर उसके अंदर लगा दो, लग जाता है, लग जाता है सर। ब्रांड न्यू कार लेके कोई आपके पास आया, आपने सब कुछ निकाल के लगा दिया, तो इसमें कार की जो वारंटी होती है जो कि मैन्युफैक्चर जो देता है 5 years की 7 years की, उसका क्या होता है? सर आपकी जो कंपनी से जो वारंटी आती है ना वो हैम्पर नहीं होती है, वो एज इट इज रहती है, वो वारंटी हो आपका इंश्योरेंस हो, क्योंकि हम कुछ भी जो कंपनी की वायरिंग होती है ना वो टच नहीं करते हैं। हाँ? कपलर टू कपलर हम वायरिंग करते हैं सर, कपलर टू कपलर वायरिंग। यस सर। तो मतलब, जो आपकी मतलब वारंटी से खिलवाड़ नहीं होता, नहीं होता सर। जो आपके सेफ्टी फीचर्स होते हैं ना, जो एयर बैग्स होते हैं, एयर बैग्स भी आपके एज इट इज रहते हैं, ऐसा नहीं हमने लॉन्च बना दिया तो एयर बैग हटा देंगे या सेफ्टी फीचर को हम ध्यान, बंदा फिर बनवाएगा क्यों जब उसके एयर बैग से निकल जाएंगे तो, है ना। अब चलो मान लो हमने इतना सारा मटेरियल इसके अंदर ऐड कर दिया। यस सर। कार में तो इससे इसकी परफॉर्मेंस, माइलेज या फिर कार के वेट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है सर जो स्टॉक इंटीरियर आपका निकाला है, पहली बात तो हमने उसी की जगह नया इंटीरियर लगाया, और दूसरा ये भी जो इंटीरियर लगा हुआ है ना ये लाइट वेट होता है, ये सारे FRP मटेरियल होते हैं, फायर प्रूफ लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग मटेरियल होते हैं, फायर प्रूफ ही होते हैं। यस सर, फायर प्रूफ मटेरियल होता है ये, तो जला के देखना ये जो बिल्कुल देख, ये जो प्राइवेसी पार्टीशन है ये भी फायर प्रूफ मटेरियल से ही बना हुआ है। चलो ये तो कोई बहुत सारी टेक्निकल बातें, अब बता दो ऐसे लोगों के लिए जो कि वीडियो देख रहे हैं, मान लो मेरे को 4-5 कलर की थीम चाहिए, या फिर मेरे पास कुछ अपने कलर्स हैं, अपनी थीम है, अपना डिजाइन है, मैं उन पे काम करवा सकता हूँ या फिर सिर्फ जो आप ऑप्शन दोगे उन्हीं पे होगा? नहीं नहीं सर, आप मुझे बोलो एक सीट मेरी रेड बना दो, एक ब्लैक बना दो, मैं रेड ब्लैक बना दूंगी। अच्छा ये जब कस्टमर आपसे कांटेक्ट करता है तो उसको आप लोग अपने डिजाइन दिखाते हो या फिर वो अपना डिजाइन देता है? सर हम पहले उन्हें अपने डिजाइन दिखाते हैं और हम उन्हें कलर शेड भेजते हैं, मेरे पास 50 कलर शेड है मैंने आपको भेज दिया, आपने बोला मैम मुझे ये कलर शेड है, फिर हम उसको रेंडरिंग करा के पहले आपको देते हैं। अच्छा, ताकि आप देखें वो कैसा लगेगा बनने के, 3D में बनवा दो। यस 3D में बनवा के, टेक्नोलॉजी के साथ काम हो रहा है मतलब। यस सर। वैसे इसके पीछे इतना बड़ा स्पेस है, इस स्पेस में क्या क्या प्रोविजन बन सकता है? इस स्पेस में सर बार चाहिए आपको, बार बना देंगे, ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं आपको फ्रिज चाहिए बड़ा 18 लीटर का फ्रिज, तो इसमें आपको हम यहाँ पे फ्रिज दे देंगे, बार बना देंगे। वैसे एक बार बताओ मेरे को तो बार वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है, पीछे बार बनाना तो थोड़ा सेंसिबल भी रहेगा, क्योंकि बिजनेस क्लास लोगों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो किसी भी पर्सनैलिटी का बंदा पीछे आके बैठ सकता है ना, और यहाँ पे आके बैठ सकता है, उसको पीछे से ड्रिंक सर्व हो सकते हैं। तो ये जो है कब से कर रहे हो आप लोग ये सब कुछ? सर हम 30 years हो गए ऑटो ट्रेड इंटीरियर सॉल्यूशन कंपनी को, और हम हर तरह की कार मॉडिफिकेशन करते हैं, कोई भी लग्जरी कार हो, बेंटले, फरारी, सब कुछ ही करते हैं। BMW, यस सर। चलो लग्जरी कार तो बनाते हो, नॉर्मल कार्स भी बनाते हो आप लोग? हाँ सर बिल्कुल, हुंडई क्रेटा, i20, कोई भी कार हो सब कुछ, सब कुछ बनाते हैं। चलो ठीक है, वैसे तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो अच्छा लगा मुझे, ये लोग ना और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे बनते रहेंगे वैसे वैसे हम आपको दिखाते रहेंगे। किसी को अगर बनवाना हो तो कहाँ कॉन्टेक्ट करना है? ऑटो ट्रेड इंटीरियर सॉल्यूशन, गूगल पे लिख दो, गूगल पे सब कुछ आ जाएगा। यस सर, ऑटो ट्रेड इंटीरियर सॉल्यूशन, लग्जरी कार इंटीरियर मॉडिफिकेशन का आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा सर। बाकी इनकी जो डिटेल होगी हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। हमारा काम सिर्फ इतना था कि एक अच्छी से लोकेशन पे इनका ये वाला वीडियो दिखाया जाए कि इन्होंने कार के अंदर क्या काम किया है। आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट्स में, और ऐसे वीडियो देखने के लिए ना लाइक सब्सक्राइब शेयर की भरमार कर दो भाई, बारिश कर दो, बहुत जरूरत है। नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला हूँ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग किंग इंडियन। बाय बाय। आ गया भाई।